अच्छा, अस्सलाम वालेकुम गाइस, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मेरा नाम माद है और माँ सलीम मेरा नाम है, इनका नाम जुआ सलीम है, ये मेरे बड़े भाई हैं। तो जी आज की जो तीसरी वीडियो हमारी रिएक्शन की, क्योंकि रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रही रिएक्शन है। वाला काम बहुत अच्छा जा रहा है। क्यों भाई, ऐसा ही है? बस ठीक है। अच्छा, रिएक्शन वाला काम अच्छा जा रहा है, इसलिए हमने एक सोचा है कि आज हम एक वीडियो पे रिएक्शन देंगे। सी एस बिश बिश्त वाइन, ये कोई इंडियन कोई चैनल है, एनिमेटेड कार्टून्स बनाता है। तो पहले जो थे, मैंने वैसे ही देख ली है वो कार्टून, मैं वैसे ही किस्त लगा ली। तो ये मुझे आ कह रहे हैं, क्या बच्चों वाले कार्टून देख रहे हो? मैं कह 2 मिनट देखो तो सही। इन्होंने भी देखे, कहते हैं वाह ये तो मज़े के कार्टून है, लेकिन बिल्कुल बच्चों वाले कार्टून है, लेकिन उनके अंदर थोड़ी ना इनकी, आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि थोड़े काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्टून है। तो जी हम शुरू करें। बिस्मिल्लाह जी, अच्छा जी बरकरार बहुत गालियाँ इसमें। हाँ, थोड़ी एडल्ट टाइप वीडियोस, एडल्ट नहीं तो मैं मतलब। एक बात बताना चाहूँगा, इसके ऐड करना चाहूँगा कि है तो ये कार्टून लेकिन एडल्ट मतलब एडल्ट्स के लिए, मतलब ठीक बच्चों के है। लिए नहीं है, बच्चों को नहीं समझ हाँ आ ही नहीं बच्चों को सकती। नहीं, आप देखा आप खुद है तो अगर वैसे आप देखें हेडफोन लगा के देखें तो बेहतर है को शायद। नहीं यार, इतने भी नहीं नहीं है। इतने भी नहीं है लेकिन मज़ा आएगा। हाँ हेलो बिट्टू। हाँ जान बोल। हेलो बिट्टू, आज मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मेरे पापा मेरी शादी किसी दूसरे लड़के से करने की बात कर रहे हैं। देख काजल, मैं तेरे बिना नहीं जी सकता, तू शादी के लिए मना कर दे। काजल काजल, दरवाजा खोल। अब मैं फोन रख रही हूँ। मेरी काजल, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। काजल, है काजल, काजल कब से दरवाजा पीट रहा हूँ, खोल क्यों नहीं रही है? हैं? लड़की देखने वाले आ गए हैं, जल्दी बाहर चल। पापा मैं किसी की हो चुकी हूँ, मैं ये शादी नहीं कर सकती। बेशक तू किसी की हो जा, लेकिन शादी तो तुझे मेरी पसंद के लड़के से ही करनी पड़ेगी। लड़का अनपढ़ है लेकिन बहुत पैसे वाला है। पापा मैं शादी नहीं करूंगी। पापा नहीं, मैं शादी नहीं कर सकती। रो मर, कुछ कर, शादी तो तेरी होके रहेगी। जल्दी से तैयार होके बाहर आ। क, 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 काजल मैं आ गया। तू घर आ गया? तू जा यहाँ से, मुझे लड़के वाले देखने आए हैं। मेरी काजल, मेरा बिट्टू, मेरी काजल, मेरा बिट्टू। देख काजल, मैं तेरे बिना नहीं जी सकता। जी तो मैं भी नहीं सकती, क्या करूं, मर जाऊं? तू शादी के लिए मना कर दे। काजल मेरे साथ भाग चल, हम शादी कर लेंगे। शादी के बाद मैं तुझे साइकिल में घुमाऊंगा। मैं साइकिल में घूमने के लिए अपने पापा को परेशान नहीं कर सकती। भूल जा बिट्टू, मुझे भूल जा, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। मेरी काजल, मेरी काजल, मेरी काजल, 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 इतनी मोटी आवाज में क्या रो रही है, जल्दी बाहर आ। हाँ पापा आ रही हूँ, अब मुझे जाना होगा, मेरे पापा वरना अंदर आ जाएंगे। जा बिट्टू तू अपने घर जा। नहीं काजल, मैं यही रुकूंगा, मैं आज नहीं जाऊंगा। तू शादी के लिए साफ साफ मना कर दे। नमस्कार जी नमस्कार, नमस्कार जी नमस्कार। हमारे पास बहुत पैसा है, फिर भी हम गरीब जैसे लगते हैं। तो ये आपकी बेटी है? हाँ हाँ ये मेरी बेटी है, बहुत सीधी है, गाय है गाय। तब तो इसकी पूछ भी होगी है। मजाक कर रहा हूँ। हुई ना काम की बात। पापा लड़की बहुत सुंदर है, जरा लंबी लंबी छोड़ना, तभी तेरी शादी होगी। है नाम क्या है आपकी बेटी का? काजल, काजल नाम है इसका। काजल, ओह काजल, आपके बेटे का नाम क्या है? कुत्ता कमीना हूँ मैं। बेटा क्या बदतमीजी है। भाई साहब इसका नाम कुत्ता कमीना है। ये कैसा नाम है? अंकल थोड़ी देर मुझसे बात करो, फिर इसी नाम से पुकारोगे।
नाम पर मत जाइए, मेरा बेटा बहुत मेहनती है। इसका कोई अच्छा नाम रख दो, ये नाम कुछ अच्छा नहीं है, गाली लगता है। जिस प्रकार सब्जी को दाल नहीं कहते, रोटी को पराठा नहीं कहते, उसी प्रकार कुत्ता कमीना को सिर्फ कुत्ता कमीना कहते हैं। बेटा क्या काम करते हो? मैं जूता बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता हूँ। अच्छा, तो बेटा कैसे जूते बनाते हो? लेडीज जूता, जिससे ऐसी खूबसूरत लड़कियाँ हम जैसे लड़कों को मारती हैं और बोलती हैं कुत्ता कमीना। अबे कम बोल, लगता है तो शादी तुड़वा के रहेगा। अब बेटी तू बता, मेरा लड़का तुझे पसंद है? पापा मैं ये शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं बिट्टू से प्यार करती हूँ। कौन है ये बिट्टू? मैं उसका खून कर दूंगा, इसकी शादी सिर्फ मुझसे होगी। ए! मैं हूँ बिट्टू, तुम सब मरोगे। सबसे पहले ये लड़की मरेगी। पापा मेरी बंदूक निकालो। सब भाग गए? तो तू है बिट्टू, मेरी लड़की को देखने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? इसका अगला पार्ट जरूर देखें। और बुंगानी जी, तो आप लोग सोच रहे होंगे हम बड़े हैं तो हम भी कार्टून क्यों देख रहे हैं, तो ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो ना सोचें। ये क्योंकि बहुत मजे की कार्टून है, मैंने तो वैसे ही वो छोटी देख रही थी, मैंने देखा तो आवाज़ ही इनकी बहुत प्यारी थी, तो मतलब नहीं इनके ये जो अपने इनकी आवाज़ है ना, जिस अंदाज में बोलते हैं वो फनी अंदाज है वैसे, जो सही बात है। जो बीच में जो चुटकुले हैं, बीच में छोटे छोटे, हाँ वो भी मजे के हैं, मजे के हैं। देख लें मजे के हैं, हम इनकी डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, आप चेक कर सकते हैं। कोई इंडियन है सी एस बिश्त वाइंस के नाम से। वैसे हमें पता हमारी वीडियो एंड तक किसने नहीं देखनी। हम चले फिर भी बोल रहे हैं अपनी तसल्ली। हाँ कोई बात नहीं है। तो जी ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने रिएक्शन दिया एक वीडियो पे, कोई कार्टून टाइप वीडियो थी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।